6 अगस्त को जो क्वेश्चन पूछे गए थे सीजीएल में, उनके कुछ क्वेश्चंस मेरे पास आए, मैंने उनको सॉल्व किया है। आई गेस ये आपके लिए होपफुल होंगे और आपको बेनिफिट करेंगे। तो एक क्वेश्चन था हमारा, यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ट्रायंगल है डी प्रोपोर्शनल टू बी सी। यहाँ पे बी डी दे रखा है एक्स माइनस थ्री, ए बी दे रखा है 2x, ए सी दे रखा है एक्स माइनस टू, ए सी दे रखा है 2x+3। तो प्रोपोर्शन कर दें एक्स माइनस थ्री दैट इज द बी डी बाई ए बी एंड एक्स माइनस टू अपॉन 2x+3। सो x आपका आ जाएगा 9। सिंपल थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन आया था सेलिंग प्राइस आपकी 13,450 है, लॉस होता है 50%, तो कॉस्ट प्राइस फॉर्मूले से निकल आएगी। कितनी आ गई हमारी 13,450 × 2। अगर उसको 50% प्रॉफिट चाहिए तो सेलिंग प्राइस क्या होगी? सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट अपॉन 100 इंटू सी पी। सो 100 प्लस 50 अपॉन इंटू 13,450। सो ये आपका सोल्यूशन आ गया यहाँ पे 40350। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। यहाँ पे था 12√5 + √3 + 18√5√-√3। तो यहाँ पे हम एलसीएम ले लेते हैं इन दोनों का, दिस क्रॉस मल्टीप्लीकेशन एंड दिस ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। सो 5 − 3 = 2, 2 बेस कॉमन है तो यहाँ पे 2 से डिवाइड कर देंगे 6 हो जाएगा, इसको डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 9। इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार से आएगा 3 √5 + √3 आंसर। टोटल हमारे पास 19,000 रुपये है, इसमें 3 सन में बांटना है, 2 डॉटर में 1 वाइफ में, जिसमें डॉटर जो है 1.5 टाइम्स है बॉयज़ का। सो अगर इसको x मिलेगा तो डॉटर को 3x/2 और वाइफ का है 600 रुपये कम है टोटल इन्वेस्टमेंट से। यहाँ पे 3x + 3x + x − 600 इसका 19,000। सो 7x हमारा आ जाता है करीब 2800। लेकिन तो उसमें सन का पूछा है, सन का ये पर पर्सन का आया है, तो सन 3 है तो 2800 × 3 दैट इज 8400। टेन कॉट थीटा प्लस कॉट थीटा इसको टू क्वेश्चन मार्क। सिंपली यहाँ पे 30 डिग्री रखते हैं जो सेटिस्फाई करेगा 4√3 वापस 2 से थीटा आ जाएगा। सेलिंग प्राइस 15,990 था, डिस्काउंट 18% मार्क प्राइस कितना हो जाएगा 19,500। यहाँ ए बी सी के रिस्पेक्टिव वर्क दे रखे हुए हैं, वर्क टुगेदर करते हैं, सी 3 दिन बाद छोड़ देता है, बी 4 दिन बाद 4 दिन पहले छोड़ देता है, तो एलसीएम ले लेंगे 10, 12, 15 का 60 आ जाएगा। इनकी एफिशिएंसी क्या आ जाएगी 6/4, ये 3 दिन तक 7 काम करते हैं तो 50 × 3 प्लस ये ए और बी का काम है, बी छोड़ देता है 3 दिन पहले और ये अकेले करता है लास्ट तक, टोटल वर्क ये है तो एक्स आ जाएगा 60/11। प्रेजेंट पॉपुलेशन पर क्वेश्चन आया था, ये दे रखी 26010, पर ईयर इंक्रीमेंट हो रहा है 2% का, तो 2 ईयर बिफोर पॉपुलेशन क्या होगी P × 10/100 × 100² = 25,000। यहाँ पे क्वेश्चन था इसका आपका एरिया दे रखा हुआ, इसकी कॉस्ट दे रखी हुई पर सेंटीमीटर स्क्वायर, टोटल एक्सपेंडिचर निकालना, हाइट दे रखी 30 सेंटीमीटर, फॉर्मूला निकाला हमने 16920 रुपीज आ गया। x + 1/x = √3 तो x^5 + 1/x^5 क्या होगा? ये एक फार्मूला होता है p^5 − 5q/5pq + 5p, वैल्यू पुट करेंगे तो आपका आ जाएगा, जैसे कि मैंने सॉल्व कर रखा है देख सकते हैं 109√3 आ जाएगा आंसर आपका। यहाँ पे ट्रेन प्रॉब्लम आया था, दोनों अपोजिट है तो आपको पता होगा स्पीड ऐड हो जाती है, वहीं हमने सिंपली यहाँ पे टाइम निकालना है, टाइम निकल के आता है आर में, उसे हमें सेकंड में कन्वर्ट करना है, इसलिए 60 × 60 दैट इज 4320 सेकंड आ जाएगा। यहाँ पे प्रॉब्लम बेस्ड ऑन जिस पर क्वेश्चन आया था अजय और पंकज, अजय की ये जो है वो 4 टाइम्स है पंकज, तो 14 तो हमें सम ऑफ प्रेजेंट एजेस निकालना, दोनों की एज का सम निकालना है, प्रेजेंट में ये 2 टाइम्स है अजय प्लस 14 साल बाद, तो a + 14 p + 14 2 सॉल्व करके 7 आया, तो ये बिफोर वाली एज आई,
यानी पंकज की 7 थी और 28 हो गई आपकी अजय की, तो प्रेजेंट में क्या होगी दोनों की 14 14 यानी 28 हो गया, तो 35 प्लस 28 63। सो ये सारे क्वेश्चंस आए थे सीजीएल में, होप आपको बेनिफिट होगा। थैंक यू वेरी मच।